वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का आम बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को साल 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा अहम 3 बड़े मुद्दे हैं, जिसको लेकर घरेलू महिलाओं से लेकर कामकाजी और हर क्षेत्र से जुड़ी महिला इस बार बजट को लेकर वित्त मंत्री से काफी उम्मीद लगाए हुए बैठी है, क्योंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, इसलिए महिलाओं की आशाएं उनसे और ज्यादा बढ़ जाती है। वाला है कल परसों में हम लोग आस लगा के बैठे हैं कि महंगाई अब कम हो जाएगी। किचन का सामान इतना महंगा पड़ रहा है, तेलहन, दाल, चावल, दाल, ये सब साग सब्जी सब चीज महंग हो गया है। कैसे हम लोग किचन का सामान इकट्ठा करें? बिजनेस भी कोरोना के चलते ठप हो गया है। कैसे किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं? हम लोग आस लगा कर बैठे हैं कि ये बजट में कुछ गिराव होगा। निर्मला सीताराम से यही आग्रह है कि हम व्यापारी वर्ग के लोग बहुत कोरोना काल से बहुत परेशानी हालत से गुजर रहे हैं। उनसे है कि उम्मीद यही है कि महंगाई पे वो राहत दें। पेट्रोल डीजल आजकल आसमान छू रहा है और जो है किसान के भी कार्य में जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान को बजट से क्या लाभ होना चाहिए? खाद सस्ता हो, गन्ना का रेट बढ़ जाए, पेट्रोल तेल महंगा है जो सस्ता हो जाए, जिससे किसानों पर सब किसी को फायदा हो, किसानों को भी लाभ हो, आम जीवन, आम पब्लिक बढ़िया से जीवन व्यतीत करें।